विस्फोट में 5 लोगों की जानें चली गई हैं और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बम विस्फोट की जांच के लिए आयोग बैठा दिया है। जांच खत्म होने के बाद कोई कदम उठाया जाएगा। दोषी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मेरे मुख्यमंत्री बनने के पूरे पूरे चांस हैं और तुम शहर में बम फड़वा रहे। टीवी में वो हिंदुस्तानी अलग क्या बोल रहा था? चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अब क्या देखिए, हिंदू मुस्लिम राइट, दंगे, फसाद, तबाही, कोहराम। हमारा कश्मीर आजाद और उस अखंड टुकड़े हो जाएंगे। हाँ बापू, हाँ, आपका भी कमाल नहीं। कैसे इंसान थे आप? लोग आजादी के लिए गोलियां चलाते हैं, खून की होलियां खेलते हैं, क्या क्या नहीं करते। आपने न तलवार चलाई न खड़ग उठाया, बस एक छोटे से डंडे से गोरों को ठंडा कर दिया। हमने तो यहां तक कर दिया है कि हर घर से मुसलमान बच्चों को पकड़ पकड़ कर जिहाद की तालीम दिलवा रहे हैं। हाँ, और जो ना करता है हम उसे खत्म कर देंगे। तू एक मुसलमान है, तुझे आर्मी वालों ने मारा होगा, तभी तो हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे जिहाद में शामिल हो गए, तभी हमारे संगठन की ताकत बढ़ेगी। तुझे जहन्नुम में जाना होगा। अल्लाह को याद कर। तरीके से दहशत फैलाओ कि कोहराम मच जाए। अल्लाह ताला, मेरे परवरदिगार, हमारी मदद कर। कल ही सूचना मिली है कि सूचना तंत्र के एक अधिकारी का गेम बचा दिया गया है। नहीं कहता है हमारा इस्लाम, निर्दोषों की हत्या करो, बच्चों पर गोलियां चलाओ। हम सभी एक साथ डटकर मुकाबला करेंगे इस आतंकवाद का। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो मंत्री जी? क्या उन लाशों को गटर में डलवा दे, सड़ जाएंगे। कौन पूछता है? आपकी काबिले तारीफ है जरा। देश के भ्रष्ट नेताओं ने वतन को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया है। DIG शिवा राठौर ने पुलिस को सख्त हिदायतें दे दी, पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी करवा दिया। भी जिहादियों को तूने पकड़ा है, तेरे लिए आतंकवादी होंगे, लेकिन मेरे लिए वो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। अबे चुप रह।